नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल ओके क्रेडिट। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक के साथ हर यूथ अपने आप को रिलेट करेगा। आज हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स, जो पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा उभर कर सामने आया है और जो सेमी अर्बन या फिर रूरल एरिया के दुकानदार हैं उसके लिए तो इस ई कॉमर्स ने एक नई ही मार्केट सेट कर दी है। और टू टीयर और थ्री टीयर शहरों के लिए कहा जा सकता है कि ये एक वरदान साबित हुआ है, एक रेवोल्यूशन लेकर आया है ई कॉमर्स। दोस्तों, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पहले कुछ सालों में ऐसा होता था कि जो लोग टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, जिन लोगों को फैशन का शौक़ है, अच्छा खाने का शौक़ है, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ है, वो अपने आप को बड़े शहरों के साथ कनेक्ट करते थे क्योंकि वहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, आपको ईजीली सामान मिल जाता है। लेकिन अब ई कॉमर्स के ज़रिए ये चीज़ जो है टू टीयर और थ्री टीयर दुकानदारों के लिए सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक की दूरी में है। सिर्फ एक क्लिक दबाया और आपको वो तमाम सामान मिल जाएंगे जो आप चाहते हैं, जिसकी आप इच्छा करते हैं। तो आज इसी ई कॉमर्स पर ज़्यादा जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग भी अभी तक बाकी प्रीमियम फैसिलिटी और अवसरों की तरह सिर्फ बड़े शहरों के लोगों के लिए उपलब्ध थी और इसलिए ई कॉमर्स से जुड़े लोगों के पास इन मेट्रो सिटीज़ में रहने के कई कारण थे, जैसे परचेजिंग पावर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कनेक्टिविटी और फैशन का शौक वगैरह। और फिर सन 2000 में ये देखा गया कि किस तरह शहरी खरीदारों द्वारा विश्व स्तरीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ रही है और यही वो समय था जिसने रिटेल वेबसाइट को ऑनलाइन आने के लिए मोटिवेट किया। आपको बता दें कि ई कॉमर्स जो पूरी तरह इंटरनेट और फ़ोन के साथ कनेक्टेड है, इसने पिछले दो दशकों में एक अलग अपना सेटअप, एक अलग अपनी मार्केट क्रिएट कर ली है। आंकड़े बताते हैं कि टोटल सेल 2010 में 26,263 करोड़ रुपए से बढ़कर 2016 में 168.891 करोड़ हो गई है। इन वर्षों में जो ग्रोथ परसेंटेज है वो भी 12.5% से बढ़कर 54.2% हो गई है। लेकिन एक वक्त के बाद इन सभी में एक बहुत बड़ा चेंज आया और वो चेंज था खरीदार, विक्रेता और ऑनलाइन शॉपिंग, जिसकी वजह से एक सैचुरेशन पॉइंट पे ई कॉमर्स पहुंच गया। फिर ई कॉमर्स ने टीयर 2 और 3 शहरों का रुख किया। उन्होंने देखा कि किस तरह अब टीयर 2 और 3 शहरों के लोग अपनी शॉपिंग के दायरे को बढ़ा रहे हैं और ब्रांड्स की तरफ, एडवांस्ड गैजेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसकी शॉपिंग के लिए उन्हें बड़े शहरों में आना पड़ता है। बस यही वो समय था जब ई कॉमर्स ने टीयर 2 और 3 शहरों में अपना विस्तार करने की ठान ली। लेकिन मोबाइल फ़ोन, सिग्नल प्रॉब्लम, इंटरनेट कनेक्टिविटी कम होने के कारण काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर्स थे उनकी कमी भी थी। इस सब ने ई कॉमर्स रिटेलर के लिए टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में काम करना बेहद चुनौतीपूर्ण बना दिया, क्योंकि 2018 में शहर की टोटल आबादी 84% इंटरनेट तक पहुंची थी और गांव में तो इंटरनेट की पहुंच केवल 16.41% थी। और फिर डिजिटल क्रांति आई जिसने ग्रामीण भारत में 227 मिलियन लोग को सक्रिय इंटरनेट यूजर बना दिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और नीलसन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण भारत में 2019 तक शहरी आबादी की तुलना में 10% ज़्यादा इंटरनेट यूजर थे और टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में ऑनलाइन कंज्यूमर की वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है सस्ता डेटा और मोबाइल रिचार्ज स्कीम, जो 2030 तक लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा यूजर्स को ऑनलाइन लाने की संभावना है। मोबाइल इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि ने ही लोकल लैंग्वेजेस में इंटरनेट सामग्री पसंद करने वाले दुकानदारों के एक नए सेक्शन को टैप करने के लिए ई कॉमर्स के विस्तार को बढ़ावा दिया। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सब कुछ, जैसे डिस्काउंट, दिवाली बम्पर या फिर राखी पर राखी बम्पर, इस तरह के जितने भी स्कीम्स ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए होती थी, इसका फायदा ई कॉमर्स ने भी उठाया। ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में चाहे वो ब्रांड्स का कलेक्शन हो, हैसल फ्री शॉपिंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट रिव्यू, डिस्काउंट और ऑफर्स, पेमेंट ऑप्शन, सुविधाजनक और क्विक डिलीवरी या फिर दुकानदारों को लुभाने के कई विकल्प, ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने इन सभी से लाभ उठाया और अपने प्लेटफॉर्म पर कस्टमर के एंगेजमेंट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए काफ़ी सर्विसेज दी, जैसे सब्सक्रिप्शन फी के लिए वीडियो स्ट्रीमिंग, अमेजॉन प्राइम और ई वॉलेट, साथ ही डिजिटल भुगतान और कैश ऑनलाइन डिलीवरी के ऑप्शंस दिए, जो कि डोमेस्टिक ई कॉमर्स बिजनेस की ग्रोथ के लिए गेम चेंजर हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कई अन्य प्रयासों के साथ टीयर 2 और टीयर 3 में ई कॉमर्स क्रांति की मुख्य प्रमोटर रही है।
डिजिटल इंडिया का मिशन अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और हॉटस्पॉट में सुधार करना है। वहीं जीएसटी एक और महत्वपूर्ण सुधार ने ई रिटेलर्स को देश भर में वस्तुओं और सेवाओं के बेरोकटोक प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए कर टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने में मदद की है। हालांकि कोविड-19 के प्रकोप के साथ भारत में ई रिटेल क्षेत्र में सुरक्षा और सुविधा के लिए ऑनलाइन खरीदारी का विरोध करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और ये ट्रेंड 1, 2 और 3 शहरों के लिए समान है। वहीं व्हाट्सएप के माध्यम से हाइपर लोकल स्टोर से किराना और बाकी जरूरत की चीजें ऑर्डर करना ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे नया है। और ओके क्रेडिट द्वारा नया फीचर जो पहले से ही 35 शहरों के लोगों के लिए उपलब्ध है काफी ज्यादा समान है। आपको बता दें कि लोग अपने स्थानीय किराना स्टोर से व्हाट्सएप के माध्यम से किराना, दवा और FMCG सामान मंगवा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये स्टोर यूजर्स को ये भी बताते हैं कि सामान का कितना स्टॉक है, डिस्टेंस कितना है और ऑर्डर करने के लिए टाइमिंग क्या है। तो आंकड़े ये साबित करते हैं कि ई कॉमर्स जो है काफ़ी हद तक ऐसे समय में भी जहां पर सब बिजनेस ठप हैं और इस तरह की परिस्थितियों में भी अपने आप अपनी मार्केट बनाने की ओर अग्रसर है और ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में टॉप ई कॉमर्स देखने को मिल सकता है भारत में। फिलहाल आज जो ई कॉमर्स की जानकारी में इतना ही, लेकिन अगर आपको किसी तरह का डाउट है, कोई सवाल आपके जहन में है, कोई वीडियो जिसको आप देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक जिसके बारे में आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप हमारे नए यूज़र हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ और लाइक कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, क्योंकि अगर आप हमें लाइक करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है अच्छे से अच्छा वीडियो बनाने का और आपके फीडबैक्स पर हम लगातार काम करते हैं और इसी तरह से आप और हमारा रिश्ता बना रहे, यही सफ़र यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।